रागिनी भी होगी महाभारत के किस्से से, मौका हवाला वहां से होगा कि जब राजा कमल नयन अपनी बेटी उत्तराकुमारी की शादी अर्जुन से करने की बात करते हैं तो अर्जुन यूं कहने लग गया कि हे राजन, मैं उत्तराकुमारी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि उत्तराकुमारी मेरी शिष्य है और शिष्य बेटी के बराबर होती है। गुरु और शिष्य का नाता बाप और बेटी के जैसा होता है। अगर आप शादी ही करना चाहते हो उत्तराकुमारी की तो मेरा बेटा अभिमन्यु शादी के योग हो चुका है, आप अपनी बेटी उत्तराकुमारी की शादी मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ कर लो। राजा कमल नयन रिश्ते को हाँ कर लेते हैं, मंजूर कर लेते हैं। तो अर्जुन के लगा, हे राजन मुझे ये रिश्ता मंजूर है लेकिन एक बार मैं अपनी रानी द्रौपदी से जाके बात करूंगा, कहीं वो इस रिश्ते से इनकार कर दे, इस शादी से इनकार कर दे। तो अर्जुन द्रौपदी के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है। अर्जुन द्रौपदी शादी का जिक्र सुनती है तो गुस्से में भर जाती है और अर्जुन को धिक्कारते हुए क्या जवाब देती है सुनते हैं रागिनी के माध्यम से। थारे छत्रापण की लाज रही ना और किसे बात का डर को न्या। और शादी करना चाहते हो बेटे की लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, क्या उस बहू ने कड़े बिठाओगे थारे आप रहने दे भर नहीं लोगे। याद है कि भूल गए कि उस दुर्योधन ने और उस करण बलि ने मुझे भरी सभा में कितना बेइज्जत किया था। जब तक बेइज्जती का बदला नहीं लूंगी, जब तक कोई खुशी कोई शादी नहीं होने दूंगी। क्या कहला जी तो क्या कहना थी।
खुश होकर आदरणीय मामा जी नथी जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। नथी मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय प्रहलाद नेता जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय जय पटवारी जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंची 500 का दे रहे तो चेयरमैन जी 100 रुपए देने।
ये हमारे नहीं है जी, ये तो गौ माता के लिए है। कभी न सोच रहे हो हम ले जाएंगे, हम नहीं ले जाएंगे यहाँ से 50 रुपए भी। हाँ कौन से है हमारे समंदर चेयरमैन जी बताओ जी, 100 रुपए दे रहे हो, कम से कम 1100 रुपए होने चाहिए आपके तो। आजकल बहू की मुंह दिखाई करते हैं तो 100 रुपए तो देते हैं, शर्म आती है उसे भी 1100 रुपए देते हैं। बिल्कुल 1100 रुपए, 100 रुपए नगद और 1000 रुपए उधार दे जाइयो जी, नहीं तो आज शाम को ढोलकी तुम्हारे ही घर बजेगी, फिर घना ही खर्चा बैठेगा यहाँ, तुम 1100 में सुलझ जाओगे। आदरणीय समंदर चेयरमैन जी वो भी 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय देवी नेहरा जी वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, गलत, ये गलत छाप फुलवा दी, असली छाप तो अब आएगी। हाँ।